गुड मॉर्निंग। तो मैंने आज सोचा यार कि शाम का टाइम बचाने के लिए थोड़ा वॉल्यूम कम कर लूँ पहले। टीवी का वॉल्यूम कुछ ज़्यादा नहीं। तो मैंने सोचा कि शाम को यार थोड़ा देर हो जाता है और कुछ काम भी आ सकता है, तो मैंने कहा कि सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे और कर लेंगे थोड़ा सा वर्कआउट, तो आज से शुरू कर देते हैं वो भी। तो मिलते हैं फिर बाद में। ओके, टेक केयर। दोस्तों, मैं हो गया हूँ रेडी काम के लिए। तो उससे पहले करते हैं अपना सबसे ज़रूरी काम, वो है कि सिप लेना। कलर कैसा दिखता है इसका? हाँ, आप कुछ और समझ रहे होंगे। क्यों, क्या पी रहा है ये? तो फिर आज करना है अपन को स्पेक, अपन को रीड करना है, समझना है, फिर कुछ टाइम बाद तो काम शुरू होगा उसी पर। तो करेंगे हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल द इंजीनियर्स आउट देयर, माय फ्रेंड्स, माय बैचमेट्स एंड माय कलीग्स, एवरीवन। आज हो गई है झमाझम बारिश, तो मज़ा आ गया है। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, काफ़ी गर्मी थी यार कुछ दिनों से, पर अभी सब ठीक है, बारिश हुई है अच्छी। पर मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, तो देखते हैं यार कुछ बीच में बारिश ना हो जाए वरना भीग जाएंगे। दोस्तों ये देखो, हमारे यहाँ एक खिड़की है जिससे हम किचन के नज़ारे ले सकते हैं, तो यहीं से हमें पता लगता है बन क्या रहा है। एक्चुअली रोटियाँ तो दिख रही हैं, सब्जी, रजत को फ़ोन लगाएं, फिर जाएं। सोच रहा हूँ कि बाइक ही ले जाता हूँ आज, क्योंकि वो काफ़ी दिन से स्टार्ट भी नहीं हुई है। प्रॉब्लम ना आ जाए, उसकी सर्विसिंग भी करानी है मुझे। मेक श्योर यू ब्रिंग किटकैट फॉर मी। डेफिनेटली। आज तुम्हारा ऑफर लेटर आ गया है ना, बिल्कुल किटकैट तो बनती है। क्यों, सर्विसिंग? हाँ, मैं क्या कह रहा था, सर्विसिंग मेल्स आ रहे हैं। बाइक की सर्विसिंग का कुछ ऐसा सीन है, मेल्स आते हैं पर वो आ रहे हैं बेंगलोर से, जहाँ से मैंने बाइक ली थी। उनके कॉल्स भी आ जाते हैं कई बार। उनकी सर्विसिंग थोड़ी बेटर थी यार, यहाँ पर मैंने कराई दो बार ग्वालियर में, मुझे कुछ जमा नहीं, ठीक से नहीं की थी इन्होंने सर्विस, पर क्या कर सकते हैं, आई हैव नो अदर ऑप्शंस, सो आई हैव टू मैनेज विद दिस ओनली। चलते हैं, करा लेंगे सर्विस कुछ दिनों में बाइक की भी। अभी तो चल रही है, अभी देखता हूँ, काफ़ी टाइम से स्टार्ट नहीं की है, तो देखते हैं यार सही चल रही है कि नहीं। दोस्तों अभी मैं हो गया हूँ रेडी और निकल ही रहा हूँ। एक चीज़ नहीं भूल सकते अभी भी हम, क्या नहीं भूल सकते,
कुछ भी बोलना ये मत बोलना, मास्क यस, चाहे वैक्सीन लगी हो या नहीं लगी हो, नहीं लगी हो ये तो प्रॉब्लम है ही, अभी तक क्यों नहीं लगी। आप अगर किसी ने नहीं लगवाई तो प्लीज़ चेक कर लीजिए और थोड़ा एफर्ट लगाइए कि आपको मिल जाए वैक्सीन टाइम पर, और क्योंकि फिर उसके बाद आपको सेकेंड डोज भी लेना होगा तो उसमें भी कुछ समय लगेगा। यार रेड वाले पहन लेते हैं, भीग जाए तो कोई इशू नहीं। क्या बोलते हो दोस्तों, है ना मस्त चीज। साउंड इसका इतना अच्छा नहीं है पर हाँ ये रंग बदलता है। दोस्तों तो आज भी लंच हो चुका, सॉरी लंच नहीं डिनर हो चुका है, और हाँ मैं बाहर गया था जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो कुछ जीन्स एक्चुअली फिटिंग कराना था। हाँ थोड़ा पतला हो गया हूँ तो जीन्स थोड़ा फिटिंग के लिए मैंने डाल दिए थे तो उन्होंने हाल ही कर दिए, तो थोड़ा वहाँ पर वेट करना पड़ा मुझे कुछ। आज बारिश भी हुआ है यार, एक चीज़ समझ नहीं आती मुझे कि क्या हो क्या रहा है ग्वालियर में बॉस, क्या हो रहा है, रोड के हाल बेहाल, बिल्कुल बेहाल। खासकर ये वाली जो, अगर आपने कभी देखा होगा ना ये लक्ष्मण तलैया वाली जो बोलते हैं ना, अब ये भी एक तरीके से मेन रोड ही है क्योंकि लोगों का जो शिंदे की छावनी जाते हैं जो इस तरफ के लोग विनयनगर से या फिर विनयनगर आश्रम उड़वाई गेट इस तरफ के लोग जाते हैं तो वही रूट पकड़ते हैं शिंदे की छावनी, और फिर शिंदे की छावनी तो आपको पता ही है कि सभी जगह को कनेक्ट करता है, मतलब वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन उधर से जाओगे आप, मॉल उधर से जाओगे, सिटी सेंटर उधर से जाओगे, तो हाँ उस रोड का हाल अभी बहुत ख़राब हो चुका है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही यार, यहाँ पर रोड पर जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं ग्वालियर में, और गाड़ियाँ ऐसे नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब छोटी टू व्हीलर्स, नहीं टू व्हीलर्स तो है ही हैं पर आजकल फोर व्हीलर्स इतने ज़्यादा हैं और उसमें भी छोटे वाले नहीं, पर ग्वालियर में मैं देखा हूँ रोड तो बिल्कुल ख़राब है और गाड़ियाँ चल रही हैं एक से एक यहाँ पर, और गलियों में से लोग ले जाने में बिल्कुल हिचकते नहीं, कैसी भी गाड़ी है उनको मज़ा आता है, वो तो अपना गलियों में से ले जाएंगे, ट्रैफिक होगा कोई परवाह नहीं है, चलता रहता है सब। यार रोड्स अगर अच्छे हो ना तो फिर ट्रैफिक का भी एक अपना मज़ा है, क्यों, और ट्रैफिक भी बेकार होता जा रहा है, रोड्स तो हैं ही हैं ख़राब, तो ये और ऊपर से बारिश हो जाए तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और वैसे भी यहाँ पर तो आपको पता ही है कि गाड़ियाँ भी कैसे चलाते हैं लोग,
कहीं से भी कुछ भी, वो अगर दूसरे के लिए सामने से आएंगे रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, चल रहा है, धीरे धीरे सब हो जाएगा ठीक। तो आज है अपना इंजीनियर्स डे यार, इंजीनियर्स। हाँ, प्राउड होता है थोड़ा। बताइएगा यार, कोई हो आप में से तो इंजीनियर, और बताइएगा आप क्या सोचते हैं। इमीडिएटली करते हैं यार। यार तो बताना फिर कि आप में से जो भी इंजीनियर्स हैं, तो बताना कमेंट करके कि आपको प्राउड फील होता है, होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। कल के वीडियो के बाद देखा कि यार व्यूज़ थोड़े आए और सब्सक्राइब भी किया कई लोगों ने, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया और कमेंट्स किया, और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि क्या है वीडियो, कैसा लगा और वो सब कुछ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी यार ये है कि अभी तो घर पर ही रहते हैं, तो आप समझ ही सकते हो, और वैसे भी धीरे धीरे ही चीज़ें होती हैं ठीक, राइट। एक और बात यार, मैं एक वीडियो का सोच रहा हूँ, मतलब उसमें मैं बताऊँगा कि व्हाई आई फेल्ट लाइक आई शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, तो उस बारे में मैं बताऊंगा वो वीडियोस में, वो वीडियो जल्दी आएगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, मतलब मैं बताऊंगा मैंने क्या क्यों सोचकर एक चैनल अपना कर लिया चालू। तो आज फिर इतना ही रखते हैं, अभी छोटे वीडियोस बन रहे हैं, व्लॉग्स अभी काफ़ी छोटे हो जाते हैं, पर ठीक है यार, अभी जो है अच्छा उसी को इम्प्रूव करेंगे आगे चलकर। सो बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त, बाय।